अब ये वो 90 का दशक नहीं रहा, लोग जागरूक हो गए, लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में इस तरीके से भौकाली वादे लाकर करना, कौन बनने जा रहे आपकी पार्टी में से प्रधानमंत्री? भाई हमको समझाइए, ये लोग एक गठबंधन में है, गठबंधन में ये देश में प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है, ये कोई मुख्यमंत्री या विधानसभा का चुनाव नहीं ना है, ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ऐसे में मुझे बताइए कि इनकी पार्टी से कौन है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? भाई ये मैनिफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पे जारी होने वाला मैनिफेस्टो है ना, एक ऐसा मैनिफेस्टो जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री ये करेंगे, जब देश की सरकार, अब मुझे नहीं पता कि राजद के लोगों को भारत के संघीय ढांचे में भी की भी जानकारी है कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की जानकारी है कि नहीं, कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होता है। जब आप मुख्यमंत्री का आप चुनाव लड़िए, आप लेकर आइए मैनिफेस्टो। भाई हम लोग भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, पर वो राज्य के चुनाव के लिए है। जब देश का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को आप चुनने जा रहे हैं, ऐसे में इस तरीके से भौकाली वादे लाकर करना, कौन बनने जा रहे हैं आपकी पार्टी में से प्रधानमंत्री? आपके तो गठबंधन में से भी कौन बनेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो ये सारी बातें सिर्फ एक ऐसा स्वप्न है जो दिखाकर लोगों को भ्रमित कर उनका वोट लेने का प्रयास किया जाता है, पर अब ये वो 90 का दशक नहीं रहा, लोग जागरूक हो गए, लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या कहेंगे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोड देंगे, मैं कहीं कैसे उनको, मतलब भाई कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है ना। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपने 14 भी गवा दिया, आपने 19 भी गवा दिया, ये ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। पार्टी टूट रही है, जो बड़े बड़े उनके दो है नेता पटेल हैं, अशफाक करीम हैं, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं आरजेडी के। देखिए ये खैर ये चुनावी समय में ये सब होता रहता है, ये हर दल में है, लोग महत्वाकांक्षाएं लगा कर रखते हैं टिकट की, जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती वो जाते हैं, ये स्वाभाविक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। बट हाँ, जिस कॉन्फिडेंस में और जिस तरीके से मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, भाई आप मुझे बताएं कि इनके कितने विधायक हैं देश भर में? भाई राष्ट्रीय स्तर का मैनिफेस्टो होगा ना, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो देश भर में कितने जगह, क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ऑलरेडी बन चुकी है? क्या उतने रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट इनको हर राज्य में, चार राज्यों में इनको मिल गए जिसको जिसकी वजह से इनको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिले? तो ऐसे में ये सब मैनिफेस्टो निकालना मेरी समझ के परे। चिराग पासवान के लिए टॉप सीट कौन है, जमुई या हाजीपुर? 40 की 40 सीटों पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और इस बार पहले चरण में जो चारों सीटें थी, हम तो चारों सीटों पर लगभग दो दो तीन तीन बार हम जा चुके हैं। जमुई तो खैर हमारी है ही, जाना ही जाना है हमको, उसके अलावा औरंगाबाद हो, नवादा हो, क्या कहते हैं, इन तमाम सीटों पर कई कई बार हम लोग जा चुके हैं, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है, अभी भी हम लोग गया में कार्यक्रम करके आए, वहां पे भी वही माहौल है, औरंगाबाद में भी वही माहौल है, नवादा में भी वही माहौल है। अंतोगत्वा चुनाव 4 तारीख को आप देखिएगा 40 की 40 सीटें जीते।